तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले थे? आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले थे? सीबीटी टू के टॉपिक जो है हम डिस्कस करने वाले थे कि सीबीटी टू में किस टाइप से हमको क्या है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये हम क्या करने वाले थे, कोर्स के अकॉर्डिंग क्या करने वाले थे हम देखने वाले थे। ठीक है, तो सो दिस इज़ द सीबीटी टू टॉपिक। आज का टॉपिक यही रहेगा, सीबीटी टू में मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जो पैटर्न है उसको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज जो मैं जो सीबीटी टू के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस था उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं मैकेनिकल के टॉपिक की ही सिर्फ बात करूँगा, मैकेनिकल के टॉपिक की सिर्फ बात करूँगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये तो आप जानते ही हैं कि 13th ऑफ जुलाई जो है आपका स्टार्टिंग डेट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म का, RRBJ का, और लास्ट जो डेट रहेगा इसका क्या है, 29th ऑफ द अगस्त इसका लास्ट डेट है। तो जो भी फ्रेंड्स जो है फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो क्या करें, फॉर्म को फिल करें। अगर फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो बहुत सारे वीडियोस बनाया गया है गेट अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो उसको क्या कर सकते हो, आप प्रीफर कर सकते हो। तो जो आपको फॉर्म फिल करने के लिए जो होगा बहुत हेल्पफुल होगा, जो आपके डाउट्स होते हैं कि कौन से फील्ड से फॉर्म भरे, कौन से एरिया से फॉर्म भरे हम, कौन से किस जोन से फॉर्म भरे हम, कहने का मतलब था। तो वो जो भी जोन रहेगा, आपको कौन सा जोन आपको ईजी पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ है गेट अकेडमी के चैनल पे, उसको आप क्या करते हैं, गो थ्रू कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन, जो पहला टॉपिक रहेगा आपका, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अब ध्यान से सुनिएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या देखा गया है, ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक है ये आपका 8 to 12 क्वेश्चन कवर करेगा, पहली बात। दूसरा चीज, इसका जो 8 to 12 क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, ये पहला इसमें ध्यान रखना है आपको, ये क्या हो जाएगा, 8 to 12 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, ईच क्वेश्चन 1 मार्क का, और ये जो टोटल क्वेश्चन रहेगा इसमें 90% आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल, और ओनली 10% जो है, ओनली 10% ही आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर थ्योरिटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल कहने का मतलब है बहुत इजी टू मॉडरेट, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इजी टू मॉडरेट यहाँ पर आपको क्या है, न्यूमेरिकल रहेगा जो आपको जो है इजीली बन जाएगा इसमें न्यूमेरिकल में। अगर आप बेसिक्स भी इसका करके गए हो तो ये न्यूमेरिकल को आप क्या है इजीली कवर कर सकते हो। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिलेबस का पहला टॉपिक, अगर इसमें हम देखेंगे तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम एंड द इक्विलिब्रेंट, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्रेंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस एंड द लामिस थ्योरम, कपल एंड द मोमेंटम ऑफ ए कपल, कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, सब्जेक्ट टू द न्यूमेरिकल, कोप्लेनार नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, डेफिनेशन ऑफ द स्टेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे जो आपका फ्रिक्शंस के टॉपिक आ जाएगा, फ्रिक्शन, तो इसमें सभी टाइप के आपको फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेके आपको एंगल ऑफ रिस्पांस, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कंसिडरिंग फ्रिक्शन व्हेन ए बॉडी मूव्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, कैलकुलेट द इनर्शिया एंड द गायरेशन ऑफ, देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है आपका, इतने सारी चीज़ों का ध्यान रहना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट आपको क्या है फॉर्मूला पूछेगा, आई सेक्शन का, टी सेक्शन का रेडियस ऑफ गायरेशन, एल सेक्शन का रेडियस ऑफ गायरेटेड, जे सेक्शन का रेडियस ऑफ गायरेशन एंड इनर्जिया, ये आपको क्या है करके जाना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोमेंटम, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, डेफिनेशन लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ध्यान से देखेंगे, ये सारी चीज़ें आप या तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हो या तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हो, उन्हीं सारी चीज़ों को क्या करना है आपको, एक कॉम्पिटिटिव वे में क्या करना है आपको, प्रिपरेशन करना है। जो आपके नोट्स होंगे उसको आप देखिए और कॉम्पिटिटिव वे में क्या करोगे, आपको प्रिपरेशन करो इसको, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसमें आपको बेसिकली मैं बता दिया, 90% आपका न्यूमेरिकल आएगा, 10% आपका थ्योरी आएगा। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको एमसीक्यू मैक्सिमम लगाने पड़ेंगे, एमसीक्यू
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने फंडामेंटल पढ़ा, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे आप लगाएंगे तो आपका ये जितने भी टर्म है इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर होता जाएगा। देखिए एक चीज़ और, इसमें जो है फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखेंगे फ्रिक्शन। उसके बाद जो जो न्यूटन से लॉ के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल होते हैं इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है इसमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जो कॉन्करेंट फोर्सेस हो गया, कोप्लेनार फोर्सेस हो गया, वो सब चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया जहाँ से खूब क्वेश्चन बनेंगे, आपको ये करना है ठीक है। उसके बाद जो थ्योरम मैंने आप बताया क्या, लामीज थ्योरम हो गया आपका, पैरेललो पैरल पॉलीगॉन लॉ हो गया, ये सब भी आपको क्या है इसमें देखने को मिलेंगे इसके क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड। नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा आपका मटेरियल साइंस। ये वो सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम में यही जो है आपको क्या दिलाएगा, सिलेक्शन। ये सिलेक्शन दिलाने वाले सब्जेक्ट है, सबसे पहला इसको ध्यान रखना, ये आपको क्या करेगा सिलेक्शन दिलाएगा दोस्त। ये क्या है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा और मैक्सिमम लोग इसको कवर नहीं करते हैं मटेरियल साइंस को, और यहाँ से आपको जो 8 से 10 क्वेश्चन आएगा यही आपका रैंक इम्प्रूवमेंट करेगा। इसमें मटेरियल साइंस में जब आप सिलेबस देखोगे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेस, ये जितनी भी मटेरियल प्रॉपर्टी है ठीक है, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, इंपैक्ट स्ट्रेंथ, फटीग, क्रीप रेजिस्टेंस, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील अलॉय, इंपॉर्टेंट ऑफ द हीट ट्रीटमेंट, ये जो हीट ट्रीटमेंट आप पढ़े होंगे बेनाइट बनता होगा नॉक ठीक है, उसके बाद जो बेनाइट बनता होगा, मार्टेसाइट बनता होगा, नॉर्मेलाइज आपका एनेलिंग जो प्रोसेस हो गया आपका, नॉर्मेलाइजिंग प्रोसेस हो गया आपका, स्फेरोडाइजिंग जो प्रोसेस हो गया उसका, जितने भी आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वो आपको देखना है, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग ऑब्वियस, तो ये जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है ये पूरे आपको देखना है। देखिए यहाँ पर ये मेंशन भी किया होगा एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग एंड सैनेडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें जो है 100% आपको क्या पूछेगा, थ्योरी से ही क्वेश्चन आएगा, थ्योरी से ही 100% इसमें क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल से इसको क्वेश्चन आपका नहीं देखने को बनता है, न्यूमेरिकल से आपका क्वेश्चन इसमें नहीं देखने को बनेगा। इसमें जो टोटल क्वेश्चन रहेगा थ्योरी से रिलेटेड ही रहेगा, तो इसको ध्यान रखेंगे थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आएगा ये क्या आ जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसमें ध्यान रखना, ये टोटल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ये टोटल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बट इसमें क्या करेगा आपको, इसमें जो एग्जाम में आएगा आपका यहाँ पर 80% आपका न्यूमेरिकल पूछेगा और 20% यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये आपका क्या आ जाएगा, थ्योरी पूछेगा, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी पूछेगा ठीक है। अब इसमें क्या पूछेगा आपका, थ्योरी कहाँ से पूछता है, जैसे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ठीक है, शियर फोर्स में पॉइंट लोड के लिए शियर फोर्स का डायग्राम कैसे रहेगा, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसे रहेगा, या फिर आपको डायरेक्ट क्या पूछेगा, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पूछ देगा, या फिर आपको टॉर्सन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पूछ देगा। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगा, 80% आपका न्यूमेरिकल आएगा जिसमें सिंपल शेयर स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस से क्वेश्चन पूछेगा, इसको आपको क्या करना है ध्यान रखना। तो एक बार एक नज़र में इस सिलेबस को देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, थर्मल स्ट्रेसेस, स्ट्रेन एनर्जी, प्रूफ रेजिलियंस, मोड्स ऑफ रेजिलियंस, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यू, टाइप्स ऑफ बीम के अकॉर्डिंग आपको शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ध्यान रखना है। आप क्या करेंगे, आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको जो है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है, जो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, जो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो आपको क्या है, ये आपको शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम है ये आपका कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होना चाहिए ठीक है। उसके बाद जो आपका टॉर्शन इन शाफ्ट एंड स्प्रिंग, थिन सिलेंडर ठीक है, प्रेशर वेजल की बात किया इसने, ये आपको सारे ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में है। दूसरा चीज, एक चीज याद रखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कोर्स से बाहर, सिलेबस से बाहर
कुछ भी चीज़ आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। इफ़ यू विल रीड आउट ऑफ द सिलेबस, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन आता है, सिलेबस से बाहर से क्वेश्चन नहीं आता। सिलेबस से बाहर से क्वेश्चन करने के बजाय आपको करना यह है कि सिलेबस के अंदर ही अगर सपोज ये सिलेबस है तो आपके सिलेबस के अंदर ही आप हर कॉर्नर को क्या कर डालो, कवर कर डालो, जिससे आप क्या कर सको, बहुत अच्छे से आपका इम्प्रूवमेंट कर सको, बहुत अच्छे से आप क्या कर सको, इम्प्रूवमेंट कर सको जो आपका एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसमें, ना कि जो चीज़ आपको पता नहीं है कहाँ से आएगा कैसे आएगा उसको करने के बजाय। तो इस चीज़ को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, उसके बाद आप जाता है मशीनिंग। ये जो होता है ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें आप देखे होगे, बट आप क्या देखे होगे कि जब आरआरबी ने सिलेबस डिसाइड किया तो इसने क्या किया, एक एक टॉपिक को कर दिया है, एक एक टॉपिक को आपको क्या किया है उसमें सिलेबस में इम्प्रूवमेंट कर दिया। अभी देखिए मशीनिंग, अब मशीनिंग क्या होता है, मशीनिंग में हम क्या देखते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ, टाइप्स ऑफ लेथ, इंजन लेथ, कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड द स्पेसिफिकेशन। नाउ द नॉमेनक्लेचर ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ज्योमेट्रिकल टूल सिग्नेचर, फंक्शन ऑफ द टूल, एंगल, जनरल एंड द स्पेशल ऑपरेशन, टर्निंग, फेसिंग, टेपरिंग, टर्निंग, थ्रेड कटिंग, नर्लिंग, फॉर्मिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, की वे कटिंग। नाउ द कटिंग फ्लूड, कूलेंट, लुब्रिकेशन, एक एक को आपको खत्म करना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गेयर, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ द अप्लाइड गेयर, ये आपका मशीनिंग से टॉपिक है। इस सब को आपको क्या करना है, थोरोली आपको क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद इसमें मैक्सिमम आपको जो सॉल्व करना है एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें आपको 10% न्यूमेरिकल पूछ सकता है मटेरियल रिमूवल रेट से, और 90% इसमें आपको क्या पूछेगा, थ्योरी पूछेगा। तो इसके कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, मतलब 10% न्यूमेरिकल रहेगा और 90% क्या रहेगा, थ्योरी आपको पूछा जाएगा इसमें मशीनिंग के कॉन्सेप्ट के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज ए वेल्डिंग, ये भी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का पार्ट है जिसको आप प्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो वेल्डिंग में आप क्या देखेंगे, वेल्डिंग में हम क्या देखते हैं कि जितने भी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग होते हैं, जैसे जैसे वेल्डिंग प्रोसेस, एडवांटेज, ये सब आपको पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग क्या होता है, आर्क वेल्डिंग के टाइप्स कितने होते हैं, चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोड फॉर द डिफरेंट मटेरियल, कौन से वेल्डिंग में किस टाइप के इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ गैसेस, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, इक्विपमेंट ऑफ द गैसेस वेल्डिंग, वेल्डिंग प्रोसीजर, आर्क एंड गैस वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग टेक्निक, टाइप्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द सोल्डर्स एंड द फ्लक्सेस, वेरियस फ्लेम कटिंग प्रोसेस, एडवांटेज एंड द लिमिटेशन ऑफ द फ्लेम कटिंग डिफेक्ट इन द वेल्डिंग टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, मॉडर्न वेल्डिंग मेथड, सबमर्ज CO2, एटॉमिक हाइड्रोजन, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द TIG एंड MIG। ये सारे वेल्डिंग के आपका सिलेबस है, इसमें मैक्सिमम आपको 100% जो है थ्योरी पूछा जाएगा। तो आपका हर जितने भी आपके वेल्डिंग के प्रोसेस हैं, जितने भी आपके क्या है वेल्डिंग के प्रोसेस है, इन सभी वेल्डिंग प्रोसेस के लिए, जितने भी आपके वेल्डिंग के प्रोसेस है, ये सब आपको वेल्डिंग प्रोसेस जितना भी है, ये सभी वेल्डिंग प्रोसेस आपको क्या है एकदम क्लियर कट जो होता है याद होना चाहिए। उसमें कौन सा फिलर मटेरियल यूज़ होता है, फिलर मटेरियल यूज़ कौन सा होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फ्लेम के टाइप ध्यान रखना चाहिए, कौन सा फ्लेम किसमें यूज़ होता है, कौन से वेल्डिंग में यूज़ होता है, और वेल्डिंग के जो टाइप्स है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेल्डिंग टाइप्स ये आपको ध्यान रखना है, वेल्डिंग टाइप्स। नाउ द नेक्स्ट वन, ये हो गया वेल्डिंग। नाउ द सिमिलरली, जैसा वेल्डिंग है वैसे क्या देखेंगे हम लोग, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में क्या देखेंगे, जितने भी ग्राइंडिंग के प्रोसेस होंगे, प्रिंसिपल मेटल रिमूवल ग्राइंडिंग, अब्रेशन, नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल, बॉन्ड एंड द बाइंडिंग प्रोसेस,
विट्रीफाइड सिलिकेट, ये सब बॉन्डिंग है उसमें जो रहता है ना, जो आपके स्पेसिफिकेशन होते हैं बॉन्डिंग के, जैसे क्या होता है, एब्रेसिव रहेगा, ग्रीन ग्रेट स्ट्रक्चर और एब्रेसिव ग्रीन ग्रेट स्ट्रक्चर और साइज, ये आप देखोगे जो स्पेसिफिकेशन होते हैं इसके, वेल्डिंग के जो स्पेसिफिकेशन होते हैं, ठीक है, तो जो वेल्डिंग के स्पेसिफिकेशन होते हैं उसको आप देखोगे, वेल्डिंग के जो स्पेसिफिकेशन होते होंगे, स्पेसिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, तो ये हम देखे थे, उसको भी क्या करना है आपको देखना है, स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग, इसको भी क्या करना है आपको ध्यान रखना है कि मतलब अब्रेसिव कौन कौन से अब्रेसिव यूज होता है ग्राइंडिंग में, कौन कौन से अब्रेसिव में ग्रेट यूज होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये भी हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका ग्राइंडिंग का सिलेबस है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा ग्राइंडिंग के सिलेबस को, और इसमें मैक्सिमम आपको 100% मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको थ्योरी ही पूछेगा, थ्योरी पार्ट ही पूछेगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछता है इसमें, और ये जो थ्योरी रहेगा वो पूरा का पूरा क्या रहेगा, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी रहेगा, थ्योरी क्या रहेगा, पूरा कॉन्सेप्चुअल रहेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज ए मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी में क्या देखेंगे हम लोग, जो लीनियर मेजरमेंट है, जैसे स्लिप गेज हो गया, डायल इंडिकेटर, एंगल मेजरमेंट, बेवेल प्रोटेक्टर, साइन बार, स्लिप गेज, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, न्यूमेटिक सरफेस, ये हो गया मेथड मेजरमेंट, प्रेशर इंस्ट्रूमेंट एंड द इंटरफेरोमेट्री, कॉलीमेटर्स, मेजरिंग माइक्रोस्कोप, इंटरफेरोमीटर, इंस्पेक्शन मशीन पार्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ द शैडो प्रोजेक्शन एंड द प्रोफाइल प्रोजेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना। सबसे पहला चीज मेट्रोलॉजी का है, ये आपका सिलेक्शन वाला टॉपिक है, जैसे पहला मैंने बताया था मटेरियल साइंस, वैसे ये क्या है, ये भी आपको सिलेक्शन दिखाएगा, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट इसको छोड़ते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टॉपिक को वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से जो आएंगे वो, क्योंकि ये जो मेट्रोलॉजी का पार्ट है आप इंजीनियरिंग के टाइम पे उतना अच्छे से नहीं पढ़ते जितना अभी पढ़ते, तो इसको क्या करोगे आप ध्यान रखोगे, इसको आपको इस एग्जाम में बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये मेट्रोलॉजी का पार्ट। अब ये जो मेट्रोलॉजी का पार्ट है ये आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, और ये आपका सिलेबस है, इसमें पूरा एंगल मेजरमेंट डिवाइस है, इसके मतलब एंगुलर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट, उसके बाद आप देखोगे कि इसमें जो कुछ इलेक्ट्रिकल के भी टर्म जो है हम जनरल मैकेनिकल वाले नहीं देखते, वो भी आपको क्या है इसमें देखने को मिलेंगे, कि कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पेसिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों को आपको इसमें पढ़ना है, इसमें आपका 100% न्यूमेरिकल रहेगा, सॉरी 100% इसमें थ्योरी रहेगा, न्यूमेरिकल इसमें नहीं पूछा जाएगा, इसको क्या करेंगे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपका मेट्रोलॉजी, उसके बाद आ जाता है आपका फ्लूड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, ठीक है, फ्लूड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, तो फ्लूड जो मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, ये जो आप बीटेक में पढ़े होंगे या फिर अपने डिप्लोमा में पढ़े होंगे, उस चीजों को एज इट इज दिया गया है, क्योंकि इस एग्जाम में बीटेक वाले ध्यान रखेंगे, इसमें डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट भी बैठेंगे, तो आप क्वेश्चन का लेवल इतना टफ सॉल्व मत कीजिएगा गेट इंजीनियरिंग सर्विस का, कि आप जो है डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन आए तो ना बना पाए, तो आपको ध्यान कुछ नहीं रखना है, प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड, डेंसिटी, स्पेसिफिकेटी, सिंपल सिंपल टर्म आपको क्या करना है ध्यान रखना है, टेंशन क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कैपिलरी पास्कल्स लॉ, मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर, कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉयंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ द रेनॉल्ड नंबर, प्रेशर पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड, टोटल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मास एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एंड डिस्चार्ज, बर्नौली इक्वेशन एंड अजम्पशंस, ये वेंचुरी मीटर, पिटोट ट्यूब, मतलब ये सब फ्लू डायनेमिक्स के पार्ट है, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्टेड डिजाइन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये पंप के पार्ट है, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी, मैकेनिकल इफिशियंसी, ओवरऑल इफिशियंसी, कैविटेशन इफेक्ट, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेट एंड दी समरसिबल पंप ऑफ दी लाइन। आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट आपको लाइन बाई लाइन क्या करना है, सिलेबस को खत्म करना है,
लाइन बाई लाइन कवर दी सिलेबस, लाइन बाई लाइन कवर दी सिलेबस आफ्टर, ठीक है, लाइन बाई लाइन कवर दी सिलेबस, मैंने जैसे अपने फ्लूड मैकेनिक्स का सिलेबस खत्म किया है, आपको ये नहीं है कि अगर मैं लाइन बाई लाइन सिलेबस कवर करने के लिए बोल दिया हूँ तो आप सब सिलेबस को पहले खत्म करोगे उसके बाद एमसीक्यू बताओगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे फ्लूड मैकेनिक्स आपने खत्म किया, फ्लूड मैकेनिक्स सबसे पहले जब आपने खत्म किया उसके बाद आप क्या किए, जितना भी इसका एमसीक्यू है उसको क्या किया आप लगा लिए, जितने भी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं जो एसएससी, अब एमसीक्यू कौन लगाना, कौन सोर्स लगाना है, एसएससी जेई का लगा लो एमसीक्यू, और क्या कर ऑल स्टेट एई जेई के जो क्वेश्चन आते हैं, ऑल स्टेट एई एंड जेई के जो क्वेश्चन आते हैं उसको क्या करना है आपको इसमें लगाना है, तो इस चीज को आपको क्या करना है ध्यान रखना। अब हाइड्रोलिक्स ये हो जाने के बाद आप क्या पढ़े, हाइड्रोलिक्स पढ़े, हाइड्रोलिक्स मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो टरबाइन है पंप है इसके बारे में पढ़े, टरबाइन पंप, ठीक है, उसके बाद आप क्या किए इसका सिमिलरली क्या किए एमसीक्यू आप क्या किए लगा लिए, आपका क्या हो गया इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा सिलेबस जो है धीरे धीरे करके आपको खत्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि सीबीटी टू का जो प्रिपरेशन है सीबीटी वन के साथ ही करोगे तभी होगा, क्योंकि उतना समय उसमें नहीं रहेगा। नाउ द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, अभी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट क्या है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट यहाँ से पहले मैं बता देता हूँ इसका जो है 100% आपको थ्योरी पूछेगा, थ्योरी पूछेगा 100% थ्योरी, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, प्रॉपर जॉब एनालिसिस, मोटिवेशन, डिफरेंस थ्योरी, स्टैटिकल परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड सिस्टम, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, रिलेशन विद द डिपार्टमेंट, राउटिंग शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग पार्ट एंड द सीजीएम, सिंपल प्रॉब्लम, मटेरियल इंडस्ट्री, ये सब चीज़ों को क्या है आपको लाइन बाय लाइन नोट्स बनाना है, और उसके बाद क्या करना है देखना है कि इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, इसको क्या करना है आपको देखना है, ठीक है, मतलब आपको इसमें एसएससी जेई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्लस ऑल स्टेट ए जेई के जो क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना, ऑल स्टेट ए जेई के क्वेश्चन क्या करना है इसको सॉल्व करना है, तो ये आपको क्या करना है ध्यान रखना। नाउ द थर्मल इंजीनियरिंग पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थर्मल इंजीनियरिंग पार्ट, थर्मल इंजीनियरिंग में आप क्या देखेंगे, लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ हीट इन टू वर्क, लॉस ऑफ परफेक्ट गैसेस, थर्मोडाइनेमिक प्रोसेसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, हाइपरबोलिक, आइसेंट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक, थ्रोटलिंग मोड, हीट ट्रांसफर, उसके बाद हम क्या देखेंगे ट्रांसफर, थर्मल कंडक्टिविटी, कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, उसके बाद हम देखेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बाय द रेडिएशन एंड ओवरऑल एंड द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, कर्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, ये है आपका कंबशन इंजन, मतलब देखिए यहाँ से आप क्या क्या चालू हो गया, यहाँ से आप देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा आईसी इंजन चालू हो गया, मतलब थर्मल लिख दिया है तो इसमें बहुत सारी चीजें जैसे थर्मोडाइनेमिक्स है, थर्मोडाइनेमिक्स के टॉपिक आपको देखने को मिलेगी, इसको पूरा पढ़ना है आपको, इंटरनल कंबशन इंजन को पढ़ना पड़ेगा, हीट एंड हीट ट्रांसफर को पढ़ना पड़ेगा, मास ट्रांसफर नहीं करना, हीट ट्रांसफर को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आरएसी को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एयर कंप्रेसर देयर साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ द रेफ्रिजरेशन प्लांट, तो आपको इतना टॉपिक को यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा थोरोली, याद हमेशा रखना ये डिप्लोमा लेवल का एग्जाम है बाबू, डिप्लोमा लेवल के एग्जाम में इतना मत पढ़ डालना गेट का, इंजीनियरिंग कॉलेज का, कि इजी इजी क्वेश्चन कर पाओ आप ना बना पाओ, इस चीज का क्या करना है ध्यान रखना है। तो ये है आपका थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग में आपको इतने सारे सब्जेक्ट को लपेट के दे दिया है, तो इतने सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर सेलेक्शन चाहिए तो। अब इसमें देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ 50% आपका न्यूमेरिकल पूछ सकता है और 50% थ्योरी पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि तो थर्मोडाइनेमिक्स में भी न्यूमेरिकल होता है, आईसी इंजन में भी न्यूमेरिकल होता है, और हीट ट्रांसफर में भी न्यूमेरिकल होता है, हीट ट्रांसफर में भी न्यूमेरिकल होता है, और यहाँ पे आपके आरएसी में भी न्यूमेरिकल होता है, इस चीज़ को आपको क्या करना है ध्यान रखना है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, पूरा सिलेबस सीबीटी 2 का मैंने आपको कवर कराया, सीबीटी 2 का आपको किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जेई लेवल में आपका सिलेबस क्या है, ये चीजों को मैंने आपको कवर कराया।
नेक्स्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम क्या देखेंगे, एमसीक्यू की सीरीज देखेंगे, और हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन जो होते हैं कैसे आते हैं, किस टाइप से आते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, हम कल मिलेंगे। और देखिए, जाने से पहले देख लीजिएगा कि ये CBT 1 और CBT 2 का जो आपका ये कोर्स है, ये गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको ये बहुत नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल है, जो कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो बेटा। इसको आपको क्या करना है, अवॉइल कर लो, इसको इस कोर्स को अवॉइल कर लो, और इसमें आप देखोगे कि एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ाया गया है। आपको वही चीज़ों को पढ़ाया गया जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा, जिसको आप इजीली नोट्स बना सकते हो। आपको इसमें स्टडी मटेरियल में आपको वर्कबुक भी प्रोवाइड किया गया है, ताकि आप क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम मिलेंगे कल PY की सीरीज में। आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।